पामा नगर परिषद तिराहे पर बुधवार की सुबह 10:15 पर मुरैनी की ओर से ग्वालियर की ओर जा रहे एक ट्रक चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में बैठे पप्पू मावई निवासी गांव रंचोली बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बामर पुलिस द्वारा ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। बामर से शिवशंकर से भरे की खबर। बामर नगर परिषद राय पर सुबह 10:15 मुरैना की ओर से ग्वालियर जा रहे एक ट्रक चालक ने बोलेरो में टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो में बैठे पप्पू मावई निवासी गांव रंचोली बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। ज्ञात हो कि ग्राम रंचोली निवासी पप्पू मावई अपनी बोलेरो कार नंबर MP06CA6879 से अपने गांव रंचोली से बामौन में घर की खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। खरीदारी कर वह अपने घर वापस जा रहे थे कि नगर परिषद तिराहे पर सामने से आ रहे ट्रक नंबर MP06HC1783 के चालक ने कार में बुरी तरह से टक्कर मार दी तथा ट्रक ड्राइवर डिवाइडर पर चढ़कर कार के ऊपर पलट गया, जिस कारण पप्पू मावई कार में बुरी तरह से दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों तथा पुलिस के सहयोग से हिटाची मशीन द्वारा पप्पू मावई को बाहर निकाला गया तथा उन्हें तत्काल एम्बुलेंस के द्वारा ग्वालियर में भर्ती कराया गया। इससे नगर परिषद राय पर हाईवे पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बामर SDOP अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घायल को बाहर निकाला और जाम को खुलवाया गया। बामर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सिवरे की खबर। सर, नगरपालिका तिराहे पर हाईवे रोड पर आज एक घटना घटी है, कार और टक्कर में, क्या मामला है, कितने बजे की बात है? आज सुबह करीबन 10:30 जी करीबन नगरपालिका बामोर के सामने हाईवे पर जी एक बोलेरो गाड़ी को जी मुरैना की तरफ से आते हुए ट्रक ने एक्सीडेंट कर दिया जिससे घटना घटित हुई है जी। उसमें जो पीड़ित है जी उसका नाम मावई है और इसका नाम पूरा नाम क्या है? पप्पू मावई। ये रहने वाला कहाँ का? रहने वाला कहाँ का बोलते हैं, रंचोली का रहने वाला। उम्र क्या है इसकी? उम्र करीबन 35 साल है। तो क्या इसने अस्पताल में दम तोड़ दिया? जिसने ग्वालियर जाते समय अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया है। दम तोड़ दिया। कार में कितने लोग सवार थे? वो अकेला ही था। तो ये कहाँ जा रहा था? ये अपने यहाँ से बामोर से अपने घर जा रहा था, रंचोली गाँव जा रहा था। रास्ते में तो क्या ट्रक चालक गिरफ्तार कर लिया आपने? ट्रक चालक शायद भाग गया है। ट्रक जब्त है। मामला पंजीबद्ध है। मामला पंजीबद्ध कार्रवाई जा रही है।